बाय बेटा। बाय पापा, दरवाजा बंद कर लेना। हाँ दीदी। वो तुम्हारे पापा थे ना? हेलो, गुड मॉर्निंग। सरप्राइज्ड? पूजा को यहाँ पास में खुराना हाउस छोड़ने आया था, प्रोग्राम में थोड़ा टाइम था तो सोचा तुम्हें भी पिकअप कर लेता हूँ। कैसा प्रोग्राम? आज शूटिंग है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? कौन सा शूट? इट्स ओके, रास्ते में बताता हूँ। कम ऑन, गाड़ी में बैठो। मैं अपनी कार में आती हूँ। मैं छोड़ दूंगा ना, वैसे भी पूजा को लेने तो आऊंगा ही। ये क्या, तुमने कहा था शूट है, यहाँ तो कोई नहीं है। वाओ, क्या जबरदस्त व्यू है मेघना। आई जस्ट लव योर सिटी। पता है एक कलाकार के लिए ये शहर कितना इंस्पिरेशनल है। ओह, ये तो बहुत गहरा है, करीब 500-600 फुट तो हो गई। वैसे मुझे ऊंचाई से डर लगता है, अगर कोई यहां से गिर गया तो समझो उसका खेल खत्म। दिल्ली जाकर आइयो ना। तो क्या मिला वहां? सोचो अगर मैं तुम्हें यहां से फेंक दूं तो। क्या हाँ, डर रही थी कि मैं गिरा दूंगा? मुझे खुली समझा हुआ है? यू थिंक आई एम अ मर्डरर? मैंने वैशाली का मर्डर नहीं किया, समझी तुम? दिल्ली क्या पता लगाने गई थी तुम? क्या साबित करना चाहती हो कि मैं खूनी हूं? वहां किसी ने कहानी सुना दी होगी, क्या जानना चाहती हो? जानना क्या चाहती हो? जिसने भी बताया बाहर में जाए, तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं वैशाली को कैसे मार सकता हूं? वैशाली मेरी जान थी। वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट थी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, पावर प्रोजेक्ट बंद करो, पावर प्रोजेक्ट बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, पावर प्रोजेक्ट बंद करो, पावर प्रोजेक्ट बंद करो। जब वो मेरे स्टूडियो में आई थी तब मैं उससे पहली बार मिला था। जस्ट वन सेकेंड, ये थोड़ा सा इस तरफ से। Can I have your number? मैं अपना नंबर सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स को देती हूँ। अच्छा, तो फिर ये भी बता दीजिए कि आपके क्लोज आने के लिए क्या करना होगा। रेड फोर्ट पता है ना? हाँ हाँ है। वहाँ पे एक पार्क है। हाँ, नेहरू पार्क। संडे 8 o'clock? जी। वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। बाय बाय। लगता है आज ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तो चलो झाड़ू लगाना शुरू कर दो। कम ऑन गाइस, अटैक। दिल्ली की हर सड़क पर झाड़ू मारा, धरने पर गया, जेल की यात्रा भी की, और इन सब के बीच में थोड़ा टाइम मिला तो पेड़ पौधे भी लगाए। बस यही थी मेरी लव स्टोरी। यहाँ पे एक और बस। हाँ, गुड लक, मैं निकल रहा हूँ। हे, सुनो तो। सुनाइए। तो कल हल्दीराम में मिले? क्यों, वहाँ बर्तन मांजने हैं क्या? नहीं बाबा, क्या तुम तो मुझे डिनर पर ले चलोगे? पक्का ना? यस। और उसी डेट पर मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वो मान भी गई। जीती रहो बेटी।
लेकिन हमेशा की तरह उसका बाप विलन निकला। तुम एक संस्कारी परिवार की लड़की हो और उस फालतू फैशन डिजाइनर से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हूँ ना। हमने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की पर वो माने ही नहीं। हम आपके घर में रिश्ता नहीं करना चाहते। और कुछ ही दिन बाद उसके पापा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। कल सुबह हम बनारस जा रहे हैं। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। परेशान होकर वो उस रात मेरे घर आई। मेरी मम्मी शहर से बाहर गई हुई थी। कल सुबह जैसे ही मम्मी आ जाएंगे तो हम शादी कर लेंगे। ओके ठीक है ना? अगर पापा को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ तो वो मेरी जान लेंगे। उसे डर था कहीं उसके पापा हमें ढूंढ ना ले, इसलिए मैं उसे अपने फार्म हाउस ले गया। ठीक है चलो। हाँ दिनेश बोल। शादी का मुहूर्त 7:30 बजे का है लक्ष्मी नारायण मंदिर में। ठीक है बढ़िया है। तो अभी फार्म हाउस में है क्या? हाँ हाँ हम दोनों फार्म हाउस पर हैं। टाइम पर पहुंच जाना। हाँ ठीक है हम 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं मम्मी को बता देता हूँ और तू बाकियों को इन्फॉर्म कर दे। ओके मैंने पहले से ही हमारे सारे क्लोज फ्रेंड्स को बता दिया है। ओह थैंक यू यार। अरे नो प्रॉब्लम इतना तो कर ही सकता हूँ। ओके सी यू टुमारो देन। बाय बाय। आई लव यू। उठो आज हमारी शादी है। थोड़ी देर सोना है प्लीज। क्यों शादी नहीं करनी? वैशाली ऐसा कुछ हुआ जो मैंने सोचा तक नहीं था। अचानक वो जोर से चीखी। वैशाली 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 वैशाली। मैंने अंदर जाकर देखा तो हेयर ड्रायर बाथटब में गिरा हुआ था और उससे उसे शॉक लग गया। वैशाली वैशाली सब ठीक हो जाएगा। दो दिन के बाद जाकर मुझे होश आया। आराम से वैशाली। वो कैसी है? वो अब नहीं रही। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे? पुलिस ने ये केस फाइल किया है कि वैशाली की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई है। पर वैशाली देख अगर उनको मालूम पड़ेगा कि उसकी मौत बाथटब में हुई है तो पुलिस केस बन जाएगा। समझ रहा है? तू गिरफ्तार हो सकता है। 5 से 10 लाख रुपए खर्चा करके तू इस केस को दबा सकता है। मैं सब कुछ देख लूंगा। तू बस आराम कर प्लीज। वैशाली सिद्धार्थ इतना मत सोच प्लीज। आराम कर वैशाली। रिलैक्स प्लीज। पूजा की फैमिली सब मुझे सहारा दे रहे थे। पूजा धीरे धीरे करीब आने लगी। सिद्धार्थ चलो उठो प्लीज गेट अप। चलो
कुछ तो खा लो सिद्धार्थ, बस नहीं, थोड़ा सा। मैंने तो उसे बताया था कि वो तो मारने को ही तैयार नहीं थी, और फिर पता है क्या हुआ? शाम हम बाहर ही खाना खा लेंगे। ओके मैडम। हाय आंटी। हाय बेटा। हम मूवी देखने जा रहे हैं, बाहर ही खाना खा लेंगे। बाय आंटी। एंजॉय करो। बाय बेटा। मुझे डिप्रेशन से बाहर देखकर मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी मम्मी को लगा कि मैं पूजा के साथ बहुत खुश हूँ और पूजा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। पूजा तुम्हें इतना चाहती है, शादी कर लो उससे। वैशाली को गुजरे एक साल हो गया है, अब तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बात मानो, पूजा से शादी कर लो। कैसे हैं आप लोग? हाय आंटी। कैसी हो बेटा? नमस्ते भाई साहब। हाय सिद्धार्थ। ये तुम्हारे लिए। खाओ बेटा, खा लो। पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन मुझे कभी उससे प्यार नहीं हुआ, पर आज हालात की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है। शादी यही किस्मत है। हालात ऐसे हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूं। जब मैंने पहली बार तुम्हारे चैनल से मीडिया पार्टनरशिप के लिए अप्रोच किया, उन्होंने मुझे तुम्हारे प्रोग्राम्स भेजे थे। उनको देखकर मैं शॉक्ड रह गया। चाइल्ड लेबर एक अपराध है, इंसानियत के खिलाफ एक अपराध। उनके सुनहरे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमें इन बच्चों के विकास के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए इस गणेश चतुर्थी इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा की मूर्ति ही घर लाएं। उनका नुकसान ना करें। सेव द रॉक्स, सेव द हिल्स। क्यों, क्या ख्याल है? पता है तुम्हारा काम, तुम्हारी हर एक बात वैशाली से मिलती है। बंद करो, बंद करो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारे वीडियोस बार बार देखता जा रहा था, और जितनी बार देख रहा था मुझे तुम्हें वैशाली नजर आ रही थी। वही सोच, वही उत्साह, वही वैल्यूज। लगा जैसे वैशाली वापस आ गई हो। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आया। रात दिन मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था, और तब मैं समझ गया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी तस्वीर में घंटों तक देखता रहता था।